नमस्कार दोस्तों, गुरु नानक केयर्स में सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, मौसम गर्मी का चल रहा है, अनदर कपल ऑफ मंथ्स देन मॉनसून सीजन शुरू हो जाएगा। और ये सब मौसम जो ज्यादा गर्मी रहती है और रेनी सीजन में जैसे मॉइस्चर कंटेंट बहुत बढ़ जाता है, अभी तो तापमान बढ़ेगा, फिर मॉइस्चर कंटेंट जो नमी बढ़ जाती है ना हवा में, उस वजह से भी जो स्किन की इन्फेक्शन हैं वो बढ़ जाती हैं, चमड़ी के रोग बढ़ जाते हैं। स्पेशली टॉकिंग अबाउट द फंगल इन्फेक्शन, ये सब वी गेट मोर प्रोन टू फंगल इन्फेक्शन ऑफ द स्किन बिकॉज ऑफ द चेंजिंग दिस टेम्परेचर एंड एनवायरमेंट जो बदल रही है, मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाता है। और दोस्तों, लास्ट भी कमेंट में एक रिक्वेस्ट आई थी रिगार्डिंग द टॉपिक ऑफ नेल इन्फेक्शन जो रहती है ना, फंगल इन्फेक्शन इन नेल्स। आज का डिस्कशन इसी टॉपिक पे है दोस्तों, स्पेशल वीडियो टोटली ऑन दिस टॉपिक, जो फंगल इन्फेक्शन नाखून में रह जाती हैं, फंगस हो जाता है, उसकी बात करेंगे दोस्तों आज। क्या होती हैं फंगल इन्फेक्शन ऑफ द नेल्स, क्या कहते हैं उसे, क्यों होती हैं, कॉजेज कारण देखेंगे, और उसके ना ट्रिगरिंग फैक्टर्स देखेंगे, रिस्क फैक्टर्स क्या है, ज्यादा डूज एंड डोंट्स में क्या ख्याल रखना है हमने, और बहुत ही बेहतरीन दोस्तों होम्योपैथिक दवाओं का जिक्र करेंगे टू ट्रीट दीज नेल इन्फेक्शन राइट फ्रॉम द रूट। आइए देखते हैं दोस्तों क्या होती है फंगल इन्फेक्शन ऑफ द नेल्स। दोस्तों, लास्ट हमने जैसे एक रिंगवॉर्म के ऊपर बात की थी, टीनिया इन्फेक्शन, वो भी फंगल इन्फेक्शन रहती है स्किन की, और मैंने बात की थी जैसे जिस एरिया में वो फंगल इन्फेक्शन रहती है उस हिसाब से उसे नाम दिया जाता है। अगर फंगल इन्फेक्शन यही नेल्स में रहती है, हाथों की उंगलियों के नाखूनों में रहती है, या पैरों में टोज के नेल्स में रहती है, तो उसे हम टीनिया ऑनिकोमाइकोसिस बोलते हैं। और पैरों के पर्टिकुलर जैसे टोज में रहते हैं ना, तो हम टीनिया अंगुयम भी बोल देते हैं, जैसे नेल्स में अगर कहीं भी फंगल इन्फेक्शन रहती है। ये इसके मेडिकल टर्म्स हैं। और दोस्तों, इसकी पहचान क्या है, साइन एंड सिम्टम्स से इसकी पहचान करेंगे। आइए देखते हैं क्या साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं, कैसे पहचाने कि ये हमारे फंगल इन्फेक्शन हुई है। सबसे पहले तो दोस्तों, कलर चेंज हो जाएगा नेल का, जहां इन्फेक्शन रहेगी इन दैट पार्ट ऑफ द नेल, सबसे पहले तो डिसकलरेशन होनी शुरू हो जाती है, नॉर्मल कलर से हटके जैसे येलो पीलेपन में हो जाएगा, या ज्यादा इन्फेक्शन है तो ब्राउन या डार्क ब्लैक में भी आ जाता है दोस्तों, ग्रीन कलर भी हो सकता है। द वेरी फर्स्ट साइन सिम्टम इज द डिसकलरेशन ऑफ नेल्स। सेकेंडली दोस्तों, जो नेल्स है ना वो बहुत ब्रिटल हो जाते हैं, इजिली टूट सकते हैं, बहुत ब्रिटल होते हैं और क्रिपल्ड हो जाते हैं, उनकी फॉर्म जो है ना, शेप बिगड़ जाती है। देन दोस्तों, इसमें से पस भी निकल सकती है, जो साइड में से नेल्स के साइड में से कहीं सपोरेशन अंदर हो रही है तो पस फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है। और कई बार तो फाउल स्मेलिंग, जो गंदी बास आती है ना पस में से, वैसा कंडीशन भी रहता है। उसके अलावा दोस्तों, ये जो नेल बेड है, द रूट ऑफ द नेल जहां से नेल ग्रो करता है, वहां अंदर दर्द भी रहता है, पेनफुल भी रहता है, सोरनेस रहती है, टच नहीं होता, वहां दर्द इतना भयंकर हो जाता है। और कोई सिवियर केसेस अगर अनट्रीटेड जा रहे हैं तो जो लोअर पार्ट ऑफ द लेग्स है ना, नीज के नीचे, वहां भी सेलुलाइटिस होने के चांसेस हो जाते हैं, अगर फंगल इन्फेक्शन को हमने टाइमली क्योर नहीं किया नेल्स के। दोस्तों, इसके कारण क्या है, कॉजेज तो हमें मालूम है, इट इज अ फंगस इन्फेक्शन बेसिकली, डर्मेटोफाइट्स जैसे हम बोलते हैं जिससे ये होता है, और कैंडिडा इन्फेक्शन भी रहते हैं, जैसे हम यीस्ट इन्फेक्शन बोलते हैं, और कई केसेस में मोल्ड्स भी रहते हैं, ये कॉमन जो नॉर्मली डर्मेटोफाइट्स से ही रहता है फंगल इन्फेक्शन ऑफ द नेल्स। रिस्क फैक्टर्स में देखते हैं दोस्तों, क्या फैक्टर्स हैं जिस वजह से ये बढ़ जाती है समस्या, बढ़ जाती है प्रॉब्लम। सबसे पहले तो दोस्तों, एजिंग कह सकते हैं, क्योंकि जैसे उम्र बढ़ती है तो बेसिकली इम्यून सिस्टम हमारा वीक होता जाता है, वी आर मोर प्रोन टू ऑल काइंड ऑफ इन्फेक्शन, जैसे एक ना इन्विटेशन हो जाता है, बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैच कर जाते हैं हम, सो वीक इम्यून सिस्टम इज अनदर रिस्क फैक्टर। और ये ज्यादा मर्दों में देखा गया, औरतों से ज्यादा मोर प्रेवलेंट इट इज इन मेल्स देन इन फीमेल्स अदरवाइज। और ऑल्सो दोस्तों, जैसे फैमिली हिस्ट्री में चलता आ रहा है ना, तो आगे होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं बच्चों में या फैमिली में रिगार्डिंग फंगल इन्फेक्शन किसी तरह के, और स्पेशली नेल्स के। और इस फैक्टर दोस्तों, एथलीट्स फुट की बात की थी हमने, अगेन रिंगवॉर्म के जो वीडियो बनाया उसमें टीनिया पेडिस बोला गया था, जहां रिंगवॉर्म इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन रहता है पैरों में, अगर कंटिन्यूटी में वैसा रह रहा है तो नेल्स में भी फंगस वो घुस सकता है दोस्तों, वहां भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। और कई लोग जैसे काम ही जैसे ना डैम्प प्लेसेस में कर रहे हैं, बेयर फुट उन्हें वॉक करना पड़ता है, बिना चप्पलों के जाना पड़ता है, जहां मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है, फॉर एग्जांपल स्विमिंग पूल्स में, साइड्स में, मार्शी प्लेसेस में, जहां डैम्पनेस रहती है,
क्योंकि बात की जहां डैम्पनेस है, मॉइस्चर है, वहां फंगस होगा होगा दोस्तों, तो दे आर मोर प्रोन टू फंगल इन्फेक्शंस, वो भी एक बहुत अच्छा रिस्क फैक्टर आ जाता है सामने दोस्तों। इसके अलावा पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीजेस रहते हैं, दे आर मोर प्रोन टू फंगल इन्फेक्शंस, और जो ज्यादा एक्सपोजर रहता है फंगल इन्फेक्शंस में, कई जॉब प्रोफाइल ऐसा रहता है, तो वहां भी फंगल इन्फेक्शंस नेल्स के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट की बात करें दोस्तों, तो देर आर नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल, तकरीबन पेशेंट्स एंटी फंगल ट्रीटमेंट्स करवा के आते हैं क्लिनिक में, खा के आते हैं। फॉर एग्जाम्पल टबिनाफिन इज अ क्वाइट कॉमन एंटी फंगल टैबलेट्स जो कंज्यूम की होती है उन्होंने, लेकिन आई पर्सनली फील कि टबिनाफिन दो दे इट एक्ट्स सप्रेसेस दैट इन्फेक्शन, लेकिन इट इज एसोसिएटेड विद लिवर प्रॉब्लम, उसके साइड इफेक्ट्स रहते हैं। आइए दोस्तों बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाओं की, जो कि जड़ से इसे खत्म करेंगे विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी दोस्तों। टॉप की चार पांच दवाओं की बात करेंगे, फाइव रेमेडीज एटलीस्ट, जो कि जड़ से खत्म करेंगे किसी तरह के नेल इन्फेक्शन, फंगस इन्फेक्शन ऑफ द नेल्स। और उससे पहले एक छोटे से हिंट है, जैसे ना कोई पार्ट जैसे फंगल ग्रो कर रहा है, फंगस इन्फेक्शन यहाँ हो रही है, दैट पार्ट शुड बी ट्रिम्ड, अगर इजीली हम उसे कट कर सकते हैं तो उसे रिमूव कर दीजिए, सो दैट इट डजंट स्प्रेड फर्दर। बाकी तो दवाओं का जिक्र करें, दवाएं दे विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट ऑफ द फंगल इन्फेक्शन। आइए दोस्तों देखते हैं कौन सी टॉप की पांच दवाएं हैं। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों एंटम क्रूडम हम बोलते हैं, जिसे 30 पोटेंसी में हम दे सकते हैं। एंटम क्रूडम दोस्तों वहां देंगे जहां नेल्स जो हैं बहुत ब्रिटल रहते हैं, इजिली टूट जाते हैं, और दे ग्रो आउट ऑफ शेप, जैसे कहते हैं ऑर्डरली नहीं ग्रो करते, बिगड़ी हुई शेप में ग्रो करते हैं, और दर्द रहता है फिंगर्स में, जैसे आर्थराइटिक पेन्स रहती है ना वैसे दर्द रहता है फिंगर्स जॉइंट्स में। एंड देन देर अदरवाइज ऑल्सो कॉर्न्स बड़े इजिली हो जाते हैं, उन्हें मस्से भी हो जाते हैं स्किन पे, कहीं वॉट्स हो जाते हैं, ये सब सिम्टम्स मिलते जुलते हैं, तो एंटीमोनियम क्रूडम इज द ड्रग ऑफ चॉइस। एंटम क्रूडम 30 पोटेंसी में हम देंगे दोस्तों, दो ड्रॉप्स दिन में तीन बार। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज एसिडम नाइट्रिकम, नाइट्रिक एसिड भी हम इसे बोलते हैं, 30 पोटेंसी में दे सकते हैं। जहां कहीं दोस्तों स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स आपस में मिलती हैं, वहां कोई इन्फेक्शन रहती है, तो वहां एसिडम नाइट्रिकम इज द ड्रग ऑफ चॉइस, और यहां भी हम दे सकते हैं, क्योंकि यहां जो सिम्टम्स रहते हैं वहां म्यूकस मेम्ब्रेन है और स्किन है, और दोस्तों इन पेशेंट्स में स्वेट बहुत ज्यादा आता है, पसीना बहुत ज्यादा आता है पेशेंट को, और वो ऑफेंसिव स्वेट रहता है, और जहां हमने देखा स्वेट ज्यादा है, मॉइस्चर ज्यादा आ जाता है, तो वहां फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। नेल्स का कलर ब्लू रहता है, और चिल ब्लेंस भी हो जाते हैं सर्दियों में जाके ना टोज में, जैसे सूजन आ जाती है, स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन रेडनेस हो जाती है। दीज आर द सिम्टम्स मैचिंग टू द एसिडम नाइट्रिकम पेशेंट। एसिडम नाइट्रिकम दोस्तों 30 पोटेंसी में हम देंगे, दो ड्रॉप्स इनमें तीन बार। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज दोस्तों साइलिशिया, अगेन 30 पोटेंसी दोस्तों। जहां अफेक्शन रहते हैं फिंगर नेल्स की, फंगल इन्फेक्शन रहते हैं नेल्स में, वहां साइलिशिया देंगे। जहां इनग्रोइंग टो नेल्स रहते हैं, पैरों के जो नेल्स रहते हैं वहां, और ऑफेंसिव और कोल्ड स्वेट, जैसे ठंडे पसीने आते हैं पेशेंट को पैरों में, हथेलियों में, पैरों की तलियों में और अंडर आर्म्स में, बहुत ज्यादा स्वेट आता है, ऑफेंसिव रहता है और ठंडा पसीना जैसे हम बोलते हैं। और दोस्तों पेन रहता है अंडर टोज, पैरों की उंगलियों के नीचे अंदर वहां दर्द रहता है, और सपोरेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जहां पस निकलती है ना स्टिकी, वहां पस निकलती है, सपोरेशन होती है, वहां साइलिशिया 30 इज द ड्रग ऑफ चॉइस। साइलिशिया 30 भी हम दोस्तों दो ड्रॉप्स दिन में तीन बार दे सकते हैं कंफर्टेबली। द फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज दोस्तों ग्रेफाइटिस भी 30 पोटेंसी में हम देंगे, जहां क्रिपल्ड रहते हैं नेल्स, जहां डैमेज्ड रहते हैं, इजिली टूट जाते हैं, डीफॉर्म्ड रहते हैं, दर्द रहता है, सपोरेशन रहती है, फिंगर्स जहां क्रैक्ड रहते हैं, स्किन द टिप ऑफ द फिंगर्स गेट इजिली क्रैक्ड, और स्टिकी सा पस निकलता है, वहां साइलिशिया दे सकते हैं दोस्तों, सॉरी ग्रेफाइटिस दे सकते हैं। ग्रेफाइटिस 30 अगेन दो ड्रॉप जिनमें तीन बार। और दोस्तों पांचवीं मेडिसिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मदर टिंक्चर, आई एम टॉकिंग अबाउट अजेडी रेक्टा इंडिका, जिसे हम नीम भी बोलते हैं। इसका जिक्र पहले भी वीडियो में हो चुका है, जहां स्किन की अफेक्शंस रहती हैं वहां अजेडी रेक्टा हम बहुत अच्छा कंफर्टेबली दे सकते हैं मदर टिंक्चर फॉर्म में, स्पेशली इन फंगल इन्फेक्शन ऑफ द नेल्स। दोस्तों अजेडी रेक्टा इंडिका की ऑइंटमेंट्स भी आती हैं, लेकिन पर्टिकुलरली मैं यहां हाईलाइट करना चाहूंगा
अगर फंगल इन्फेक्शन नेल्स की रह रही है तो लिक्विड फॉर्म इज मोर इफेक्टिव, क्योंकि उसको हम इजिली अप्लाई कर सकते हैं और वो मदर टिंचर लिक्विड अच्छे से अंदर तक जा सकता है, अंदर तक समा सकता है, सो दैट उसका हीलिंग जो है वो बहुत फास्ट रहे। अजेटिलेटा इंडिका क्यू कॉटन से डिप कर निचोड़ के अच्छे बाहर अप्लाई कीजिए और अंदर तक वो समा जाए। दिन में 2 बार कर सकते हैं दोस्तों, मॉर्निंग में और रात को सोने से पहले। अजेटिलेटा वैसे गॉट वेरी गुड हीलिंग प्रॉपर्टीज, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है उसकी और रिसेंट रिसर्च हैव प्रूव्ड इट्स रोल इन एज एन एंटी फंगल एजेंट एज वेल। तो यहाँ अजेटिलेटा हम जरूर एड करेंगे अपने बॉक्स में, अपने मेडिसिन के प्रिस्क्रिप्शन में। दोस्तों और भी कई रेमेडीज रहती हैं, लेकिन टॉप की ये मेडिसिन्स रहती हैं। जहां सिम्टम्स मैच कर सकते हैं, डू ट्राई दीज फ्यू मेडिसिन्स टू गेट रिड ऑफ फंगल इन्फेक्शन ऑफ द नेल्स राइट फ्रॉम द रूट। आशा करता हूं आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। डू शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल। जो मेरे दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब गुरु नानक केयर्स एंड हिट द बेल आइकॉन दोस्तों फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। आगे आपको जो भी कोई डिफिकल्ट केस, कोई डिजीज, कोई सिम्टम्स रहते हैं, यू कैन ऑलवेज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, वी कैन पुट अ सेपरेट वीडियो ऑन इट, अलग से वीडियो बनाया जा सकता है दोस्तों उस पे। अगले वीडियो में फिर बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण, मे बी स्किन के साथ रिलेटेड, जैसे सीजन जैसे फंगल इन्फेक्शन का चल रहा है, अनदर फ्यू मंथ्स रहेगा भी, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करेंगे। बने रहिए गुरु नानक केयर्स के साथ दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड गॉड ब्लेस।